न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, क्या है पूरा मामला देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जहां सीएम योगी ने आगामी त्योहार को लेकर कल फरमान जारी किया है, ऐसे में प्रयागराज के एसएसपी शैलेश पांडे ने कमर कस ली और जिला पुलिस ने अब कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में कांवड़ यात्रियों के लिए पूरी सुविधा होगी और ड्रोन से निगरानी होगी और साथ ही सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से निगरानी के पहले की तरह आदेश दिए थे। ऐसे में पुलिस ने किस तरह की तैयारी की है, क्या कुछ कहना है एसएसपी प्रयागराज का, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए कांवड़ यात्रा को लेके सभी डिपार्टमेंट की उच्च अधिकारियों की अध्यक्षता में बैठक हुई है। साथ ही साथ कल कमिश्नर सर, आईजी सर, डीएम साहब, मैं तथा सभी जो प्रशासनिक पुलिस अधिकारी हैं पूरा कंप्लीट रूप जो है घाट से लेके जो मुख्य मार्ग है कांवड़ यात्रा उसका हम लोगों ने भ्रमण किया। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जहाँ शिविर लगते हैं उनका भ्रमण किया, घाट का भ्रमण किया। तैयारियाँ तेजी से चल रही हैं। जो भी डायरेक्शंस थे वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को दे दिए गए हैं। हमारी तरफ से जैसे पुलिस विभाग का जहाँ तक संबंध है यातायात को लेके हमारे जो श्रद्धालु आएंगे यहाँ पे कांवड़िए उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए यातायात के प्रॉपर प्रबंध जो रोड के हमारा डेडिकेटेड उनके लिए मार्ग दिया जाता है उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से रहेगी। साथ ही साथ अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जो फोर्स की डिप्लॉयमेंट है डिफरेंट स्थानों पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे वहाँ पे हमारे द्वारा डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। साथ ही साथ थाना स्तर पे इसमें मीटिंग कर ली गई है। हर स्तर पे जिला स्तर थाने स्तर पे जो आवश्यक मीटिंग्स है जो समन्वय स्थापित करने के लिए वो की जा चुकी है। सभी व्यवस्थाएँ समय से पूर्ण करते हाँ वो सारी चीज़ें हमारे जितने टेक्निकल एड्स हैं चाहे वो ड्रोन कैमरा हो चाहे हमारे सीसीटीवी कैमरे हो इत्यादि सभी से जो है पर्याप्त का इस्तेमाल करते हुए हम लोग बेहतर यात्री सुविधाओं को मुहैया। संगम नगरी प्रयागराज जहां एक बार फिर से लापरवाही सामने आई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज की, जहां पर प्रयागराज में फिर से एक बार कोरोना का ग्राफ फिर से बढ़ता नज़र आ रहा है। कोरोना संक्रमण के रोज मरीज मिलना शुरू हो गए हैं। ऐसे में चौथी लहर को लेकर कहा गया था कि बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक है, मगर अब बच्चों के द्वारा जहाँ लापरवाही दिखी क्योंकि अभिभावक खुद लापरवाह दिख रहे हैं और बच्चे मास्क लगा नहीं रहे। ये नज़ारा है जमुना क्रिश्चियन कॉलेज के बाहर का, जहां आप देख सकते हैं छात्र बिना मास्क के हैं और ना ही किसी तरह का लोगों में खौफ है। एकाध को छोड़कर किसी के चेहरे पर दूर दूर तक मास्क नहीं दिखाई दिया और कोविड गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, जिससे फिर से खतरा सर पर मंडरा रहा है। और बच्चों के लिए जहाँ चौथी लहर खतरनाक है, ऐसे में लोग बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं और इन पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है और ना ही रोक टोक करने वाला। और सबसे बड़ी बात कि कॉलेज स्कूल प्रशासन की ओर से भी गाइडलाइन का पालन नहीं कराया जा रहा है और बच्चों को मास्क नहीं लगवाया जा रहा है। ऐसे में क्या कहना है अभिभावकों का, आइए सुनाते हैं। देखिए पालन होना चाहिए, ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ये बहुत अच्छी है और अगर क्या कहते हैं गाइडलाइन का नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, पूरे लोग इससे परेशान होंगे। आप देख रहे हैं बच्चे यहाँ पे कोई मास्क नहीं है, कुछ लगा रहे हैं आज, कुछ हमें लगता है बच्चे ज़्यादा आए हैं तो जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो गया है, लेकिन लगाते हैं बच्चे यहाँ। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आलम। क्या आपको गुप्त नवरात्रि के बारे में मालूम है और क्या है इसके महत्व, तो आइए हम आपको बताते हैं। गुप्त नवरात्रि बाकी नवरात्रि से अलग होती है और रात के अंधेरे में इसमें पूजा करने का विधान है। ऐसे में किस तरह से गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है और क्या कुछ कहना है इस पर पंडित शिप्रा सदेव का, आइए सुनाते हैं आपको। ओम गण गणपति नमः। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि, वैसे तो चार नवरात्रियाँ होती हैं जो कि माघ, चैत्र, आश्विन और आषाढ़ महीने में पड़ती है, जिसमें से कि माघ और आषाढ़ महीने में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त मीन्स छुपा हुआ, छुप के करने वाला काम। जो नॉर्मल नवरात्रि होती है उसमें हम धूम धड़के से माँ का आवाहन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माँ की झांकी निकालते हैं, जगह जगह भंडारे करते हैं, माँ की पूजा अर्चना करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, माँ का खुले दिल से जो है स्वागत करते हैं। परंतु गुप्त नवरात्रि में यही चीज़ें छुप के की जाती हैं, रात के वक्त की जाती हैं, इसमें रात्रि पूजा का विधान है।
नॉर्मल नवरात्रि 9 दिनों की होती है और उसमें माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ पार्वती की पूजा की जाती है और माँ पार्वती के जो 9 स्वरूप हैं उसकी पूजा की जाती है। परंतु गुप्त नवरात्रि में माँ काली की पूजा की जाती है और माँ काली की जो 10 विद्याएं हैं उन विद्याओं की पूजा की जाती है। जनरली जो नॉर्मल नवरात्रि है वो वैष्णव के लिए मानी गई है और जो गुप्त नवरात्रि है ये साधकों के लिए मानी गई है, साधुओं के लिए मानी गई है, तंत्र शक्ति के लिए मानी गई है, मोक्ष के लिए मांगी गई है। नॉर्मल नवरात्रि में हम सिर्फ शक्ति पूजा करते हैं, घर का शुद्धिकरण करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, परंतु गुप्त नवरात्रि में माँ के शक्ति स्वरूप का पूजन किया जाता है, शक्ति साधना की जाती है। इसलिए जनरली जो तांत्रिक होते हैं, शैव संप्रदाय से जुड़े लोग होते हैं, साधु संत होते हैं, वो शक्ति पूजन के लिए उनका आवाहन करते हैं। कुछ लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं, जो इस जन्म बंधन से मुक्ति पाते हैं उसके लिए गुप्त नवरात्रि की पूजा की जाती है। वैसे ये पूजा पारिवारिक लोगों के लिए निषेध मानी गई है, परंतु कुछ लोग शक्ति पूजन के लिए, अपने शत्रु को परास्त करने के लिए, वैभव के लिए भी ये पूजा की जाती है। वैसे वैभव के लिए नॉर्मल नवरात्रि की पूजा की जाती है, उसमें धन वैभव की प्राप्ति होती है, क्योंकि शक्ति पूजा से धन वैभव की प्राप्ति नहीं होती, परंतु शक्ति साधना के थ्रू बाकी चीज़ों का आवाहन किया जाता है। इसलिए ये पूजा जनरली साधु संतों के लिए की जाती है। आज गुप्त नवरात्रि का आखिरी दिन है, आज के दिन माँ का ध्यान करना चाहिए, माँ से पूजा अर्चना करनी चाहिए, माँ का खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। आज ये जो 9 दिन होते हैं नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि के, इसमें माँ के 10 स्वरूपों की पूजा की जाती है। अगर कोई इंसान शत्रु पक्ष से परेशान होता है तो वो कर सकता है, परंतु इसमें बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके आवाहन में गलती हो जाए, आपसे कुछ भूल चूक हो जाए, तो आपको उसका प्रॉब्लम भी, उसके कारण आपकी लाइफ में प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसलिए शक्ति पूजन या गुप्त नवरात्रि शैव संप्रदाय के लोगों के लिए ही कही गई है। आशा करती हूँ ऊपर वाले की कृपा दृष्टि आप पे बरसे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदैव विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सर्व। संगम नगरी प्रयागराज, क्या आपको मालूम है स्लीप पैरालिसिस क्या होता है और इसमें किस तरह की अवस्था होती है और आदमी को किस तरह की परेशानियां होती हैं? स्लीप पैरालिसिस में आदमी अपने बॉडी को कंट्रोल में नहीं कर पाता है और ना ही कोई मूवमेंट कर पाता है। क्या कुछ कहना है इस पर मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश पासवान का, आइए सुनाते हैं आपको। तो आज के बाद से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा छात्रों से कि वो समय पर पढ़ाई के दौरान समय पर सोएं और कम से कम 6 से 8 घंटे की एक मुश्त नींद रात में ज़रूर लें, क्योंकि एक जब हम सोते हैं तो सोने के दौरान नींद का जो चक्र होता है वो NREM और REM दो प्रकार की चक्र में होता है और ये माना जाता है कि कम से कम 3 चक्र या 4 चक्र नींद के पूरे होने चाहिए, तभी व्यक्ति की जो मानसिक और शारीरिक थकान है वो दूर होती है। तो समय से सोना और पर्याप्त मात्रा में सोना ये बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और भी है जो बड़ा लोगों को अजीबोगरीब लगती है, कभी कभी उसको पैरानॉर्मल आदमी मानता है, भूत प्रेत से संबंधित कर देता है, कई तरीके की क्रियाएं जो नींद के दौरान होती है हम उनको असामान्य क्रियाएं समझते हैं। वास्तविकता में वो कुछ तरीके की मनोवैज्ञानिक और शारीरिक परेशानी को व्यक्त करती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो एक प्रक्रिया होती है सोमनेबुलिज्म, यानी कि नींद में बोलना, सोमनोलोक्यू यानी नींद में चलना। इसी प्रकार से एक प्रक्रिया होती है स्लीप टेरर, नाइटमेयर्स यानी कि डरावने सपने देखना। इसी प्रकार से स्लीप पैरालिसिस होती है। ये प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो जिसको भी होती है वो बड़ा भयभीत हो जाता है, समझ नहीं पाता कि वास्तविकता में ये हो क्यों रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हमको बड़े भयानक, बड़े डरावने सपने आने लगते हैं, बड़ी बेचैन सी नींद रहती है, तो हम समझ नहीं पाते ये हो क्या रहा है हमारे साथ।
अगर हम उस समय अपने आप में आत्म मंथन करें तो हम समझ पाएंगे कि उस समय हम किसी न किसी शारीरिक या मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे होते हैं, और ये जो नींद में आने वाले डरावने सपने, बुरे सपने हैं, ये उसी का उद्घोष करते हैं, हमारी मानसिक और शारीरिक परेशानी को व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है जैसे किसी भूत ने आकर के हमारे सर को दबा दिया, गर्दन को दबा दिया, पीठ को दबा दिया, हम प्रयास कर रहे हैं उठने का, जगने का, हम जग नहीं पा रहे हैं, आँख हम एकदम जगे हुए हैं, आँख हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं, खोल नहीं पा रहे हैं, शरीर को हिला नहीं पा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, फिर अचानक से नींद खुलती है और हम अपने आप को बहुत डरा हुआ महसूस करते हैं और हम समझ नहीं पाते कि ये क्या हो गया हमारे साथ, ऐसा कैसे हो गया कि हम जग रहे हैं, हम नींद आँख खोलना चाह रहे हैं लेकिन आँख खोल नहीं पा रहे हैं। तो ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल अवस्था है जिसको हम लोग स्लीप पैरालिसिस के नाम से जानते हैं। वास्तविकता में जब हम नींद से जगने की अवस्था में होते हैं और चिंता या इस तरीके के किसी दौर से गुजर रहे होते हैं तो हम एक तरीके की पैरालिसिस या लकवे की स्थिति में थोड़े समय के लिए चले जाते हैं, हम जग जरूर रहे होते हैं लेकिन हम शरीर का कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इसमें कोई भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई नींद में बोलता है, बड़बड़ाता है, कोई नींद में चलता है, तो हमको जो है कोशिश करना है कि हम किसी योग्य मनोचिकित्सक से जा कर के इसके लिए परामर्श लें। संगम नगरी प्रयागराज, जहाँ हर साल प्रयागराज में बाढ़ की समस्या होती है, ऐसे में कई जगह जल भराव हो जाते हैं, सड़कों पर हल्की हल्की बारिश के बाद भी जल भराव हो गया। ऐसे में जब पत्रकारों ने डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा बाढ़ के मुद्दे पर किस तरह से कार्य किए गए हैं और बाढ़ को लेकर क्या इंतज़ाम है आगामी बरसात को लेकर, तो केशव प्रसाद मौर्य का चौंकाने वाला बयान था, जहां डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा हम तो चाहते हैं बाढ़ आए, जब बरसात हो पहले किसानों को राहत मिले, बाकी बाढ़ जब आएगी तो हम बाढ़ से निपट लेंगे। क्या कुछ कहा डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने, आइए सुनाते हैं। जबरदस्त रहती है अभी बाढ़ आवे, हम तो चाहते हैं जल्दी जल्दी पानी बरसे, बाढ़ तो अभी क्या, अभी तो वर्षा ही ठीक ढंग से शुरू नहीं हुई। भगवान इंद्रदेव से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से वर्षा प्रदान करें जिससे किसानों के जीवन में खुशहाली आवे, बाढ़ आएगी तो बाढ़ से निपट लिया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज, आगामी बकरीद व कांवड़ के त्यौहार को देखते हुए आज पुलिस प्रशासन ने कमर कसी है, ऐसे में ट्रैफिक की व्यवस्था को देखते हुए लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो त्यौहार में और सभी त्यौहार में ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू रहे, ऐसे में क्या कुछ कहना है SSP प्रयागराज का, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, जो मैं शहर में घूम रहा हूँ वैसा कोई उल्लेखनीय जाम का कोई यहाँ पे नहीं मिला, रादर यहाँ पे ठीक ठाक ट्रैफिक की व्यवस्था चल रही है। इसके बावजूद जहाँ पे ट्रैफिक बहुत तो नेक्स्ट है उसको हम लोग निश्चित तौर पे दिखाएंगे। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, नगर निगम है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सभी के साथ जिला प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। आवागमन का मार्ग जिसको राइट ऑफ वे कहते हैं वो किसी तरह से अवरुद्ध ना हो, उसको हम लोग प्रायोरिटी कराएंगे। सड़क का इस्तेमाल आवागमन के लिए किसी तरह का अतिक्रमण ना हो, सभी डिपार्टमेंट से बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग और जो यातायात की व्यवस्था उसको और बेहतर। संगम नगरी प्रयागराज के बाजारों का नजारा है, जहां आगामी दो दिन बाद बकरीद का त्यौहार है, ऐसे में ईद उल अजहा में जहां लोग बकरे तो खरीदते ही हैं, साथ में बच्चों के लिए कपड़े की खरीदारी भी हर कोई कहीं ना कहीं करता है, मगर बाजारों में सन्नाटा पसरा जिस तरह से है अपने आप में एक इतिहास रचता जा रहा है, जहां लोग महंगाई से परेशान है। दुकानदारों की माने तो यहां पर सन्नाटा पसरा है और सुबह से शाम तक कस्टमर का पता नहीं होता, एक तरफ गर्मी तो दूसरी तरफ महंगाई ने दुकानदारों की कमर तोड़ दी है, ऐसे में दुकानदारों को अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से उनको परेशानी के कारण अब घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है, क्या कुछ कहना है ऐसे में दुकानदारों का, आइए सुनाते हैं आपको। मार्केट में बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है और मार्केट एकदम सूनी है, आप खुद देख लीजिए, दुकान पे कस्टमर नहीं है, रोड पे कस्टमर नहीं है, महंगाई की वजह से यह सब चीजें बहुत महंगी हो चुकी है, इसीलिए व्यापार पे असर पड़ गया है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां आगामी दो दिन बाद बकरीद का त्यौहार है, ऐसे में जहां बकरा मंडी करेली के कब्रिस्तान के बगल में लगती थी मगर पिछले साल से कोविड की वजह से नहीं लग रही है, जिसके कारण लोग सी ब्लॉक की सड़कों पर ही बकरा लेके टहल रहे हैं और वहीं से बकरा बिक रहा है और बकरा मंडी के तौर पर यहीं पर बकरे बेचे जा रहे हैं, ऐसे में बकरे दुकानदारों का कहना था कि जहां भीड़ तो नहीं है मगर हां बकरे बिक रहे हैं और इस पर किसी तरह का असर कोई खास नहीं है, मगर बकरे के व्यापारी का ये भी कहना था कि साथ
7,000 से लेकर 25,000 रुपए तक के बकरे बाजार में हैं और इस तरह के बकरे अब बाजार में बिक रहे हैं। क्या कुछ कहना है व्यापारी का, ये सुनाते हैं। इस बार बढ़िया बिक्री है, हाँ। नहीं, महंगाई का ज़्यादा असर तो नहीं है, बाकी अच्छा बिक रहा है बस। वो यही कोई 7,500 से लगा के 20-22,000 तक के मार्जिन में, हाँ, बिक्री हो रही है। मोहन लाल, संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है नुरला रोड की सड़कों का, जहां आप देख सकते हैं विक्रम कर किस तरह से लटक कर सवारी करते विक्रम चालक और खल्लासी नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यातायात नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही विक्रम चालकों द्वारा। ये नज़ारा है नुरला रोड की सड़कों का, जहां नुरला रोड से करैली बारा मार्केट क्षेत्र में ये विक्रमें चलती हैं और जिस पर तेज साउंड के साथ लाउडस्पीकर की तरह गाने बजते हैं और साथ ही गाड़ी पर लटक कर लोग सवारी करते दिखाई देते हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। मगर विक्रम चालकों की लापरवाही और किस तरह से यातायात नियम की देख सकते हैं धज्जियाँ उड़ाई जा रही है आपके सामने है। ये नज़ारा है नुरला रोड की सड़कों का, जहां हवा फर्राटे भरती विक्रम और पीछे लटक कर सफारी करता खल्लासी। आप देख सकते हैं किस तरह से विक्रम चालकों द्वारा किस तरह से नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं पुलिस को देखकर ये छुप जाते हैं और उसके बाद फिर इसी तरह से नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। अब देखना इस पर किस तरह की होगी कार्रवाई। संगम नगरी प्रयागराज के करैली क्षेत्र के जेके आसियाना कॉलोनी से, जहां मोहम्मद शकील, जिनकी उम्र लगभग 60 साल है, जो कि 6 तारीख को घर से करीब 11 बजे रात में निकले थे और उसके बाद से वे घर नहीं पहुंचे हैं, जिसके बाद घर वाले अब उनको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हैं और घर वालों ने कई जगह उनके पोस्टर भी चिपकाए हैं और लोगों से अपील की है कि अगर उनको कहीं मिलते हैं तो कृपया उनके लिखे गए नंबर पर संपर्क कर और उनके पते पर पहुँचाने की लोग कोशिश करें। जहाँ बता दें उनके घर वाले परेशान हैं और 6 तारीख को शकील अपने घर से रात 11 बजे निकले थे, जिसके बाद से वे घर नहीं पहुंचे हैं और शकील का दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं है। ऐसे में घर वाले परेशान हैं। क्या कहा है, आइए सुनाते हैं। इनका नाम मोहम्मद शकील है, ये 6 तारीख को करैली जेके आसियाना से लापता हुए हैं। जो भी व्यक्ति इन्हें देखे वो संपर्क करे मेरे दिए गए नंबर पे, इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइन्स इलाके में हेल्थ केयर कैंप का उद्घाटन नगर निगम की मेयर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने किया। हेल्थ केयर के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य का चेकअप किया जाएगा, जिससे उनकी बीमारियों के विषय पता चल सके। आदित्य बिरला कैपिटल एवं अपोलो हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में ये हेल्थ केयर कैंप खोला गया है, जिसकी आई चेकअप, ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारियों की चेकअप किया जाएगा। उद्घाटन के बाद कई लोगों ने हेल्थ चेकअप की निःशुल्क जाँच भी कराई और कैंप में लोग आए हुए लोगों का यहां पर चेकअप किया गया। इस मौके पर महापौर के संग कई समाज सेवी भी उपस्थित रहे। देखिए, ये पूरा कार्यक्रम बेसिकली एक हेल्थ चेकअप कैंप है इलाहाबाद के अंदर, जो कि आदित्य बिरला कैपिटल और अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ, इन दोनों के ज्वाइंट कोलैबोरेशन के माध्यम से हुआ है, जिसके तहत कई तरीके के टेस्ट हम अपने क्लाइंट्स और जितने भी हमारे एडवाइज़र्स हैं, जो भी हमारे कस्टमर हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमने इसमें रखा हुआ है, जिसमें जिसके अंतर्गत आई चेकअप, हार्ट चेकअप और आपका ब्लड शुगर, डाइटिशियन, फिजिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल हैं। साथ ही साथ लोकल लेवल पे हमारे साथ एक द एडवांस डेंटल लाउंज है, वो भी एसोसिएटेड है, जो कि पूरा डेंटल केयर का कार्यक्रम यहाँ पर कर रही है। और इस प्रोग्राम का उद्घाटन मेयर इलाहाबाद श्रीमती अभिलाषा गुप्ता नंदी जी ने किया और अभी तक लगभग 200 से ज़्यादा लोगों का मेडिकल चेकअप हम लोगों ने कंप्लीट किया है और आने वाले समय में 4 बजे तक अभी ये कैंप है, तो अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य संबंधी अवेयरनेस देने के लिए और उनके शरीर की जांच के लिए हम प्रयासरत हैं और एक हेल्दी इलाहाबाद बनाने के लिए इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और आगे भी इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहेंगे। मेरा नाम राहुल बैनर्जी है और मैं आदित्य बिरला कैपिटल में एज ए सीनियर ब्रांच हेड के पद पे इलाहाबाद लोकेशन को देख रहा हूँ। नगरी प्रयागराज के नवाब यूसुफ रोड पर लगा भीषण जाम, जहां जाम के झाम से लोग दिखे परेशान। जहां एसएसपी प्रयागराज ने दावे किए थे कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था
की समस्या उत्पन्न नहीं होगी, और ऐसे में उनके दावे के बाद ही आज शहर में लगा दिखा भीषण जाम, जहां पर सिविल लाइन के पॉश इलाके में जहां पर दिखा भीषण जाम, जाम के जाम से गाड़ियां चींटी की तरह रेंगती रही। ये नज़ारा है नवाब यूसुफ रोड के अंबिका टावर के पास का, जहां पर सड़कों पर भीषण जाम लगा रहा और लोग परेशान होते रहे। सबसे बड़ी बात, कानपुर दिल्ली से आने वाली रोडवेज की बस इसी मार्ग से आती हैं, जिससे यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा, जहाँ जाम के जाम से लोग लगातार होते रहे परेशान। ना ही सिविल लाइन पुलिस दिखाई दी, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि यहाँ के स्थानीय नागरिक जाम को जाम से लोगों को निजात दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे। आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरह से लगा भीषण जाम, जाम के जाम से लोग हो रहे परेशान, जिम्मेदार। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।